जब किडनी का GFR लेवल तीसरी, चौथी या पांचवी स्टेज पे होता है, तब एक किडनी रोगी को जो पेशाब की मात्रा होती है वो दिन पे दिन कम होती चली जाती है। शुरू में तो पेशाब अच्छा आ रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके डायलिसिस जब शुरू हो जाते हैं तब पेशाब बिल्कुल आना बंद हो जाता है। अगर कैसा हो कि आप शुरू में ही अपने यूरिन को बढ़ा लें और आपका पेशाब अच्छी खासी मात्रा में आए, तो आपका जो एक्स्ट्रा पानी है आपकी बॉडी में वो भी बाहर निकल जाएगा। क्योंकि जब पेशाब कम आता है तब एक किडनी रोगी के शरीर में पानी जमा होने लग जाता है, और पानी जमा होने की वजह से पैरों में जो सूजन आने लग जाती है, टखनों में सूजन आने लग जाती है, टांगों में सूजन आने लग जाती है, और पेट में पानी जमा होने लग जाता है, और साथ ही साथ जो आपका चेहरा होता है उस पे भी स्वेलिंग आने लग जाती है। और इस बढ़े हुए पानी की वजह से बहुत से किडनी रोगी के फेफड़ों में भी पानी भर जाता है और उनकी सांस फूलने लग जाती है। तो कैसा हो कि एक किडनी रोगी अपने पेशाब को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाए और उसको अच्छी मात्रा में पेशाब आने लग जाए, तो चलिए आज हम जानेंगे कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में और उसकी दवाई बनाना सीखेंगे, और सब आपको लाइव बना के दिखाया जाएगा। और सबसे पहले आपको पुनर्नवा और गोखरू ले लेना है। पुनर्नवा की जड़ आपको ले लेनी है, एक जड़ आपको पुनर्नवा की ले लेनी है, उसको आपको अच्छे से धो लेना है, गोखरू को भी आपको अच्छे से धो लेना है। अब आपको पुनर्नवा को अच्छे से महीन करके कूट लेना है, जितना आप उसको महीन कूट लेंगे उतना अच्छा होगा। उसके बाद आपको एक बर्तन लेना है और बर्तन में 200 ml के आसपास पानी ले लेना है। उस पानी में आपको जो आपने कूटा हुआ पुनर्नवा था और 8 से 10 गोखरू के दाने डाल देने हैं। अब आपको उस पानी को अच्छे से बॉईल करना है, और जब वो पानी आपका 100 ml के आसपास रह जाए तब आपको उसको छान करके उसको अच्छे से छान लें, और उसको आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। ऐसा पानी आपको दिन में 3 बार बनाना है। सुबह आपको बनाना है, सुबह खाली पेट लेना है, दोपहर में खाना खाने के बाद लेना है, और रात को भी खाना खाने के बाद लेना है। इससे आपकी पेशाब की मात्रा बढ़ेगी और आपका बंद हुआ पेशाब दोबारा से खुल जाएगा, और अगर आपको पेशाब कम आता है तो आपको अच्छी मात्रा में पेशाब आने लग जाएगा। तो हम आशा करेंगे कि ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ घंटी के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे।